तो दीप भैया मिल गए हमें, दिखाते हैं आपको वही सुनहरा जोड़ा पहने रहते हैं 1972 वाला, मैं आपको दिखाता हूँ वही लाल दूसरी बुक लाओ, ये बुक नहीं ले सकते, वही बुक सेम बुक दूसरी बुक लानी है हमें, वो बुक नहीं ले सकते हम लोग, वो बुक को दूसरे बच्चे को भी पढ़ना है तो वो बुक हम लोग नहीं ला सकते, दूसरी बुक को हमें लाना है। अरे भाई इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और बाकी अल्ट्रेशन का दाम सुन लोगे तो बेहोश हो जाओगे। कितनी तेज हवा चल रही है भैया, सब कुछ उड़ गया था। मेरा तो ये है ना, मेरे यही है बालकनी, तो मैंने यहाँ से अपना सब कपड़ा वड़ा हटाया, जल्दी जल्दी उठा, मैं तो सो रहा था यार, इतनी तेज हवा चल रही थी, मैं अभी उठा हूँ बस। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, एंड गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग तो है नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया, 2:30 बज गए दोपहर के, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये बैग देख के डरो मत, ये बैग दिख रहा है, ये बैग देख के डरो मत, मेरी आज कोई क्लास नहीं थी, आज सैटरडे है, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती मेरी, तो क्लास नहीं थी वो, तो मैं 2:30 बज रहा तो मैस जा रहा हूँ, तो मैस में खाना खा लूँगा, वहीं पर स्टडी हॉल है, वहीं पर आसपास मतलब एक हॉल बना हुआ है, रूम बना हुआ है स्टडी रूम, वहाँ मैं पढ़ लूँगा, वहाँ पर नेट भी चलेगा, मतलब जो मिलता नहीं जियो नेट LPU का, जो 1 GB रोज़ मिलता है, जो मैंने बताया था मेरे डी ब्लॉक में नहीं मिलता है, वहाँ ए ब्लॉक में मैस है, तो मैस हम लोग वहीं पर करने जाते हैं, डी ब्लॉक सी ब्लॉक ए ब्लॉक बी ब्लॉक सारे बच्चे जो ए ब्लॉक का जो मैस है वहीं पर मैस करते हैं, खाना खाते वहीं पर खाना खाते हैं, तो वहीं मैं खाना खाने जा रहा हूँ, वहीं पर स्टडी हॉल है, वहीं पर मैं पढ़ भी लूँगा बढ़िया, 1 GB यूज़ भी कर लूँगा, अगर मुझे मतलब काम होगा तो यूज़ कर लूँगा। बाकी अभी चलते हैं उधर, बाकी आप देखे थे भाई बरसात कितनी तेज़ हो रही थी, भाई बरसात इतनी तेज़ हो रही थी, मैं सो रहा था तान के, जब एकदम से हल्ला हल्ला मचा, ये लोग बच्चे लोग हल्ला मचाने लगे, एकदम डस्टबिन वस्टबिन एकदम फेंक दिया, मैंने आपको डस्टबिन दिखाया ना, डस्टबिन एकदम फेंक दिया, एकदम बरसात इतनी तेज़ हो रही थी, मैं तो तैयारी नहीं था, नहीं तो मैं अपना चेहरा भी दिखाता आपको। फिर अब तो थोड़ा धूप आ गई है, देखो अब तो थोड़ा धूप आ गई भाई, अब तो देखो देखो बरसात, देखो कितना कितना पानी भरा हुआ है, देख रहे हो तब पानी कितना भरा हुआ है, ये देख रहे हो कितना पानी भरा है, अब थोड़ा धूप आ गई है, लेकिन क्या बरसात हो रही थी भाई, क्या बरसात, इतनी तेज़ बरसात, जैसे आपने देखा ही यार मेरी वीडियो में कितना तेज़ बरसात हो रही थी। और डस्टबिन देखो ये यहाँ पर डस्टबिन था, यहाँ से लेकर वहाँ पहुँच गया, इतनी दूर डस्टबिन पहुँच गया भाई, मैं भी इतना शॉकिंग से उठा, मैं कहा ये क्या हो गया भाई, इतना तेज़ हल्ला मचा रहा था, मैं तुरंत उठा, इतना तेज़ बरसात भाई, बहुत मज़ा आया, मज़ा तो बहुत आया। बाकी अभी चलते हैं कुछ खा लेते हैं भाई, कुछ नहीं खाया मैं सुबह से, कुछ भी नहीं खाया, एक दाना तक नहीं गया, एक पानी तक नहीं गया, 2:30 बज गए दोपहर के, और अभी खाना खा लेते हैं भाई, वहाँ पर बढ़िया दबा के पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं पढ़ने, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं भाई तो पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है चलते हैं भाई। एक तो दिमाग ख़राब होता है लिफ्ट में, दिमाग ख़राब हो गया यार, कई बच्चे जब उतरते हैं एक नंबर पर उतरे ना, जैसे नीचे उतरे बस 5-6 बटन दबा जाते हैं लिफ्ट के, और ऊपर नीचे लिफ्ट होती रहती है, अभी 6 नंबर पर मेरी लिफ्ट है, 6 नंबर पर मैं चढ़ा, उसका 7वें गया 8वें गया फिर 9वें गया फिर आते और फिर 6ठे पर रुका, फिर साला फिर 1 नंबर पे गया, कम से कम 10-15 मिनट तो साला मेरा लिफ्ट में वेस्ट हो जाता है यार, बहुत बड़े हरामी सारे लड़के, बहुत हरामी यहाँ पर, आन तन बटन दबा देते हैं, उतरेंगे अपना 1 नंबर पे, कहीं उतरेंगे 6 नंबर पे उतरेंगे, क्योंकि बस 7-8 दबा देंगे फर्जी का, मतलब कि लिफ्ट ऊपर नीचे होता रहा होती रहे, बताओ दिमाग ख़राब किए रहते हैं यार। तो गाइस पढ़ाई तो हो चुकी है, और खाना भी मैंने खा लिया, देखा ही आपने, और अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया, 5:30 बज गए, नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है, और अभी जा रहा हूँ मैं ये बुक्स वापस करने लाइब्रेरी से, आज लास्ट डे है सबमिट करने का, और लाइब्रेरी में जाके बुक सबमिट करके फिर वापस रीइशू करा दूँगा, तो अगर आज नहीं, अगर मैं बुक सबमिट किया तो मेरे पास लेट चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है फाइन लग जाएगा। और दीप के कार्ड से मैंने एक बुक इशू कराई थी, तो दीप भी इंतजार कर रहा है, दीप के साथ ही जाना है, और बाकी दीप को और भी कोई काम है, तो चलते हैं दीप के पास, दीप इंतजार कर रहा है बाहर, अभी हम चलते हैं हॉस्टल से अपने बाहर। तो दीप भैया मिल गए हमें, दिखाते हैं आपको वही सुनहरा जोड़ा पहने रहते हैं 1972 वाला, मैं आपको दिखाता हूँ वही लाल पग, वही ट्रेंड वाली टी शर्ट, वही लोअर, वही स्लीपर, चलो 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 क्या बोले, ये बुक तुम पकड़ो, चलो कुछ नहीं, चलो
फिर हम चलते हैं लाइब्रेरी में, बुक सबमिट करते हैं। बाकी दी तुम्हें क्या काम है? आओगे बस। नहीं पता है, दिख रहा है। और दी तुम्हें क्या काम कराना है पहले बताओ? यार शर्ट पहन, इसको शर्ट पहन लेनी थी, थोड़ा फॉर्मल्स के लिए कोई क्लास है तो क्लास में फॉर्मल्स मांग रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं कि मतलब उस तरह पहन के आओ, पैंट शर्ट पहन के आओ, मतलब पूरा पहन के आओ, तो जूते वगैरह सब इसको चाहिए। तो वहीं पर अभी हम लोग जा रहे हैं, यूनी मॉल जाएंगे। पहले तो ये लाइब्रेरी से अपना पहले बुक हम लोग दे देंगे वहाँ पर, और इशू मेरी ही बुक है, मतलब इसके कार्ड से एक इशू कराया, मैंने बता दिया है बकायदा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सर सारे इन्फॉर्मेशन मेरे सब्सक्राइबर को पता होती है, जबकि क्योंकि तुमको नहीं बताओगी, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी। तो गाइस ऐसे ही बुक रिटर्न होती है, बुक नीचे रख दो, ये एक लैपटॉप आपका जो कंप्यूटर है वो स्कैन कर लेगा और रिटर्न हो जाएगी बुक। गाइस हम लोगों ने बुक वापस रख दिया और रीइशू कराना था भाई, तो क्या वो बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। रीइशू कराना था, हम लोगों ने बुक वापस दे दी और वही बुक हम वापस रीइशू करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये बुक ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, कबर्ड में रखी जाएगी, ऊपर से फिर तुम लेके आओगे, दूसरी बुक लाओ, ये बुक नहीं ले सकते, वही बुक सेम बुक दूसरी बुक लानी है हमें, वो बुक नहीं ले सकते हम लोग, वो बुक को दूसरे बच्चे को भी पढ़ना है तो वो बुक हम लोग नहीं ला सकते, दूसरी बुक को हमें लाना है। अरे भाई इतना मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बात कर रहा, जो बंदा बोल रहा था वो भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो भाई, अरे बात सोचो क्या आप बोल रहे हो, मुझे वही बुक चाहिए, मैंने मान लो मैंने वही दिया भैया आपको, वो मैं फिर से ले रहा हूँ, मुझे शुक्रानी जाएगी ऊपर, वो बुक जाएगी ऊपर, ऊपर से फिर जाओ आप पैर तोड़वाओ, पैर तोड़वाओ, चौथे फ्लोर पे जाओ पैर तोड़वाओ, वही बुक वापस लेके आओ और इशू कराओ, क्योंकि वो बुक दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। हाँ वो बुक दूसरे पढ़ेंगे, वो जाके नहीं ला सकते हम यहाँ पे। हाँ बताओ, दिमाग देखो भैया, आंधर हो जाओगे ऐसे। तो बाकी अभी हम चलते हैं इसका कोट पैंट लेने, कोट पैंट लेने चलते हैं, कोट पैंट मतलब इसका फॉर्मल शर्ट पैंट लेने चलते हैं यूनी मॉल पे, ठीक है? तो अभी हम लोग शर्ट के नीचे हैं, ऊपर बताते रहते हैं, शर्ट के ऊपर शर्ट के नीचे है भाई, और चलते हैं यहीं से, यूनी मॉल का रास्ता है तो यहीं से चलते हैं यूनी मॉल। तो अभी हम लोग आए थे सचदेवा दुकान पे, और यहाँ पर अभी हमने वो लिया एक, जो क्या हाथों में पहनाया था जिससे धूप न लगे और आपकी सुंदरता बरकरार रहे, क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं, स्लीव्स, हाँ स्लीव्स, स्लीव्स बोलते हैं भाई, धूप से बचने के लिए भाई, मैं थोड़ा काला रहना हो जाऊँ यार, थोड़ा बचना पड़ेगा धूप से, और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ले लिया है स्लीव्स, जो कि 80 रुपये का है, बहुत ही महंगा इन्होंने लिया है, ठगा है, मुझे तो 40 रुपये से ऊपर नहीं है, लेकिन अब क्या कर ले, हम ऐसा किसी का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बाकी अभी हम चलते हैं इसकी शर्ट पैंट लेने, ठीक है? इनका सामान लेने आया था, पहले मैंने उद्घाटन कर दिया। दीप सिंह टुटेजा शर्ट पैंट सिलवाते हुए, तो दीप बेहरे यार शर्ट पैंट तो ले लिए बढ़िया, ये जो सफ़ेद कलर की शर्ट है और ब्लैक कलर की पैंट है, अल्ट्रेशन कन्वर्शन कराएगा तो भाई हो जाएगा, 850 रुपये की शर्ट पैंट मिली इसको बेचारे को, और बाकी अल्ट्रेशन का दाम सुन लोगे तो बेहोश हो जाओगे, जानते हो 70 रुपये की अल्ट्रेशन कराओगे अगर शर्ट तो 150 रुपये, पैंट अल्ट्रेशन कराओगे तो 150 रुपये, तो और नई शर्ट आ रही है 400 रुपये की, तो अल्ट्रेशन कोई कराएगा, 20-30 रुपये का अल्ट्रेशन होता है भाई दी भैया, हम लोग बाहर से करा लेंगे 20-30 रुपये का, यहाँ 150 रुपये का अल्ट्रेशन। बाकी इसने शर्ट पैंट तो ले लिया, बाकी इसको शूज़ लेने हैं, तो अब मुझे जाना पड़ेगा यूनी हॉस्पिटल के पास में, इसका शॉप है कोई तो इसका वहाँ शॉप नहीं है, मुझे पता नहीं है, देखते हैं मतलब इससे जानकारी लिया किसी से, तो वहाँ से हम लोग इसका शूज ले लेते हैं भैया फॉर्मल, अच्छा वाला विशाल मेगा मार्ट में 350 का, 350 रुपये का, 350 रुपये का शूज़ मिल रहा था, लेकिन भाई साहब को लेने का मन नहीं था, यहाँ 600-700 रुपये का लेगा सीधा, अभी हम लोग चलते हैं शूज़ लेने, ठीक है? फॉर्मल शूज़ मन नहीं था उस समय इनको, तो अब मन है, अब तो लेना ही पड़ेगा भाई, अब तो मैम कह रही है ना, डंडा क्यों ही है ना मैम, लेना है तो अब लेना ही पड़ेगा, बाकी हम चलते हैं शूज़ लेने, ठीक है? तो अभी हम लोग आए हैं ट्रेशर शूज़ एक्सरीज वियर्स LPU के अंदर ही हम लोग, मतलब यहाँ पर सब शॉप्स है ना वगैरह, तो अभी हम लोग वो देखने आ रहे हैं शूज़ वूज वगैरह। तो गाइस हम लोगों ने शूज़ ले लिए हैं और टाई भी मिल गई थी उनके पास, टाई लेनी थी इसको, जहाँ शर्ट पैंट जहाँ मिलती है वहाँ इसको टाई लेनी थी, टाई उनके पास थी नहीं, तो जहाँ हम लोग शूज़ लेने गए वहाँ पर टाई थी, तो टाई भी इसने ले लिया, सब कंप्लीट हो गया, शूज़ सब बकायदा ले लिए, और कितना पड़ा था फिर 750 लगा था, तो अंकल जी से बहुत कुछ मेहनतें करने के बाद, घिसने के बाद, पैर हाथ पैर जोड़ने के बाद उन्होंने 50 रुपये कम किया, 700 रुपये लिया, तो चलो अच्छी बात है अंकल जी की, बहुत बड़ी कामयाबी उपलब्धि है, और हाँ उपलब्धि है जो उन्होंने किया। बाकी ये देखो यार पानी ने कितना भर गया, देख रहे हो आज बारिश भी, सब बता चुका हूँ भाई इन लोग को, सब इन लोगों को मेरा अप टू डेट पता रहता है, आज मैंने क्या किया क्या नहीं, मैं मिला नहीं इनसे, मैं बता दूँ अपने तरफ से। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और अभी हम चलते हैं भाई रूम में, थकावट काफ़ी हो गई, कितना 7:30 बज गया ना, 7:30 बज गया भाई, यहाँ से जाओ भाई आधा पौन घंटा जाने में, आने में बैंक भाई कट जाएगा। तो अभी चलते हैं रूम में, और फ्लैश लाइट भी ऑन है, सीधा लाइट आँखों में आ रही है, ठीक है? अभी हम चलते हैं रूम में, अंधेरा जाता है ना तो अपने आप फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है मेरे मोबाइल में, तो अभी चलते हैं। तारीफ कर रहा है। तो गाइस मैं आ गया हूँ रूम में यार, ठीक है?
और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। अभी खाना खाने जाना है, 9:30 तक खाना खाने जाएंगे, 7:30 बज रहा है, अभी 2 घंटे बाद जाएंगे, तो पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं यार। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।